हेलो फ्रेंड्स मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होती है इसके न्यूमरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे इसका इंटरप्रिटेशन और साथ में इसकी लिमिटेशंस तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है ये ड्यूरेशन का एक अपडेटेड कॉन्सेप्ट है या आप कह दीजिए रिफाइंड वर्जन है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन को समझने से पहले हमें ड्यूरेशन को समझना पड़ेगा हालांकि मैंने ड्यूरेशन पे एक अलग वीडियो बनाई है डिटेल में ड्यूरेशन को समझने के लिए आप वो वीडियो देखें बट मॉडिफाइड ड्यूरेशन को समझने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया ड्यूरेशन का लेना होगा तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक ड्यूरेशन समझते हैं कि वो क्या होती है देखिए ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये नाइनटीन में एक कैनेडियन इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक मेकोले ने दिया था इसलिए इसको मेकोलेस ड्यूरेशन भी कहा जाता है ड्यूरेशन मेजर्स द टाइम स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉन्ड एंड द बॉन्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क तो ड्यूरेशन जो है वो क्या मेजर करती है वो मेजर करती है बॉन्ड के टाइम स्ट्रक्चर को और उसके इंटरेस्ट रेट रिस्क को इट मेजर्स द एवरेज टाइम टेकन फॉर ऑल इंटरेस्ट कूपन एंड द प्रिंसिपल्स टू बी रिकवर्ड तो ये बेसिकली हमें ये बताती है कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा सो so दैट कि हमें सारा कूपन यानी इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट हमें वापस मिल जाए तो इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का पे पीरियड हमें बताती है कि भाई जैसे कैपिटल बस्टिंग में होता था ना पे बैक पीरियड मेथड टाइम में ओरिजिनल कि इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो कुछ उसी तरीके से यह हमें एक बॉन्ड का ब्रिक का एक पे बैक पीरियड बताती है कि, कि कितने टाइम में हमें अपना परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा इसका आंसर भी जैसे पे बैक पीरियड का आंसर ईयर्स में आता था ड्यूरेशन का आंसर भी नंबर ऑफ ईयर्स में आता है लॉन्गर द ड्यूरेशन हायर विल बी द इंटरेस्ट रेट रिस्क फाइन तो यहां हम इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं इसका डिटेल्ड आपको ड्यूरेशन की वीडियो में मिलेगा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम क्योंकि यही एग्जाम्पल आगे हम मोडिफाइड ड्यूरेशन में यूज करेंगे ए रुपीज हंड्रेड पार वैल्यू बॉन्ड है इट सील टू मेच्योरिटीन परसेंट कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड तो पहले हम ड्यूरेशन निकालेंगे तो हंड्रेड रुपीज पार वैल्यू है टेन परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइव ईयर्स की लाइफ है एंड हील टू मेच्योरिटी है फोर्टीन परसेंट तो कैसे करेंगे हम अपनी जैसे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में हम टेबल बनाते थे वैसी टेबल बनाएंगे ईयर वन टू थ्री फोर फाइव कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में टेन रुपीज़ इंटरेस्ट मिले हंड्रेड का टेन परसेंट टेन सेकेंड ईयर में टेन थर्ड ईयर में टेन फोर्थ में टेन और फिफ्थ ईयर में हंड्रेड रुपीज प्रिंसिपल प्लस टेन रुपीज इंटरेस्ट टोटल वन हंड्रेड टेन हमें रिसीव हुए हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें फोर्टीन परसेंट पर देखना है क्योंकि वाई टी एम फोर्टीन परसेंट गिवन है

और इसका टोटल हो जाता है कि 353.53 एंड ड्यूरेशन ऑफ़ द बॉन्ड इज़ 353.53 फिफ्टी बाय दिस 86.22 डिवाइड तो इट कम्स टू 4.10 इयर्स ईयर्स इसका मतलब हुआ कि अगर इस बॉन्ड को हम 4.10 इयर्स ईयर्स तक अपने पास रखते हैं तो वी कैन अवॉइड इंटरेस्ट रेट रिस्क हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा मोडिफाइड ड्यूरेशन का मोडिफाइड ड्यूरेशन एक्चुअली बॉन्ड के प्राइस में जो वॉलीटिलिटी होती है कि बॉन्ड इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड के प्राइस में कितने परसेंट चेंज आएगा वो हम मोडिफाइड ड्यूरेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे पहले इसका मीनिंग तो मोडिफाइड ड्यूरेशन इज़ ए फार्मूला दैट एक्सप्रेस द मेजरेबल चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए सिक्योरिटी इन रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स यानी फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट रेट में वन परसेंट का चेंज आएगा तो बॉन्ड के प्राइस में कितना चेंज आएगा वो हम मोडिफाइड ड्यूरेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं मेज़र कर सकते हैं तो इट फॉलोज़ द कॉन्सेप्ट डेट इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन जो कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है कई बार कि इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होते हैं मार्केट में तो बॉन्ड के प्राइस डाउन हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं तो बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं वो कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी वर्क करता है

मेकोलिज ड्यूरेशन जो भी हमने कैलकुलेट करी है डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई टी एम अपॉन एन यहाँ पे वाई टी एम से मतलब है ई टू मैच्योरिटी एंड एन मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इट मीन्स कि आपको ईयर में इंटरेस्ट कितनी बार मिलता है अगर आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है तो आप यहाँ वन लिख देंगे एन की जगह अगर आपको सेमी एनुअल मिलता है तो आप टू लिखेंगे आपको क्वार्टरली मिलता है तो आप यहाँ पर एन की जगह फोर लिख देंगे तो इन दिस वे वी विल राइट ठीक है अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं नंबर वन जैसे जो हमने अभी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ड्यूरेशन निकाली थी मैकोलिक डेट वॉज फोर पॉइंट वन और उस क्वेश्चन में वाई कितना था 14 परसेंट था इंटरेस्ट हमें एनुअली मिलता था तो इसकी अगर हमें मोडिफाइड ड्यूरेशन निकालनी हो तो मोडिफाइड ड्यूरेशन क्या होगी दिस इज द फॉर्मूला मैकोलिक ड्यूरेशन अपॉन वन प्लस वाई डिवाइडेड बाई एन तो मेकोली ड्यूरेशन हमें फोर पॉइंट वन जीरो हमने अभी कैलकुलेट की है वन की जगह वन आ गया वाई टी एम की जगह पॉइंट वन फोर आ गया और क्योंकि एन एनुअल मिल रहा है तो एन की जगह वन आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन हियर वन तो ये आ गया हमारा थ्री पॉइंट सिक्स ज़ीरो तो मॉडिफाइड डिस बॉन्ड इज थ्री पॉइंट सिक्स जीरो अब ये हमें क्या बता रही है थ्री पॉइंट सिक्स जीरो से क्या मतलब हुआ है यहाँ पे सपोज बॉन्ड प्राइस इज एटी सिक्स पॉइंट टू टू ये भी हमने वहीं से लिया है 86.22 तो ये हमें ये बता रही है 3.62 कि सपोज देर इज अ बॉन्ड जिसकी लाइफ है फाइव इयर्स अगर इंटरेस्ट रेट वन परसेंट इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड के प्राइस में कितना चेंज आएगा 3.6 परसेंट माइनस वाई माइनस क्योंकि देर इज अ रिलेशनशिप कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड के प्राइस डाउन होते हैं देर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप तो अगर इंटरेस्ट रेट वन बढ़ेंगे तो बॉन्ड के प्राइस थ्री डाउन हो जाएंगे और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे वन परसेंट तो बॉन्ड का प्राइस थ्री पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट हो जाएगा तो वॉट वुड बी द न्यू बॉन्ड प्राइस हमने कैसे निकाला एट्टी सिक्स टू टू माइनस थ्री पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट तो केस में एट्टी सिक्स पॉइंट टू टू प्लस थ्री पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट तो ये आ गया एट्टी नाइन पॉइंट थ्री टू तो इन दिस वे द मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज यूज्ड तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि वन परसेंट अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो बॉन्ड के प्राइस में क्या चेंज आएगा व्हाट विल बी अ न्यू बॉन्ड प्राइस वी टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर सपोज मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में टू पॉइंट सिक्स फाइव थ्री बॉन्ड प्राइज है हंड्रेड रुपीज इफ द यल्ड ऑफ ए बॉन्ड इंक्रीजेज बाय हंड्रेड बेसिस पॉइंट यानी वन तो व्हाट विल बी द प्राइज ऑफ द बॉन्ड तो सोल्यूशन यहां पे ये ट्राइंगल मतलब डेल्टा चेंज इन बॉन्ड प्राइस इक्वल्स टू माइनस बॉन्ड प्राइस हमने माइनस साइन है क्यों लगाया है क्योंकि देर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस तो बॉन्ड प्राइस इस क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा तो माइनस इसलिए लगाया गया है बी माने बॉन्ड प्राइस इनटू एमडी मींस मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड डेल्टा वाई मींस चेंज इन द यील्ड जस्ट पुट द वैल्यूज माइनस बी बॉन्ड की जगह आगे हंड्रेड रुपीज मॉडिफाइड डे पॉइंट थ्री और डेल्टा वाई की जगह पॉइंट जीरो सो चेंज इन बॉन्ड प्राइज इज माइनस तो वट इज द न्यू बॉन्ड प्राइज हंड्रेड माइनस टू पॉइंट थ्री तो नया बॉन्ड प्राइस जो होगा वो होगा नाइनटी से इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द मोडिफाइड डॉन वी कैन फाइंड आउट वॉट विल बी द new bond price if there is a change in the interest rates fine up interpretation the modified duration provides an approximation percentage change in a bond price for 1% change in ytm so a 15 year bond with a modified duration of 7 years would fall approximately 7% in value ट तो कर सकते हैं कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट वन परसेंट से इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड का जो प्राइज है वो सेवन परसेंट डिक्रीज हो जाएगा या फिर इंटरेस्ट रेट अगर वन परसेंट डिक्रीज होते हैं तो बॉन्ड का प्राइस सेवन परसेंट इंक्रीज हो जाएगा आई होप यूर नाउ वी डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ मोडिफाइड ड्यूरेशन मोडिफाइड ड्यूरेशन इज ए लीनियर एस्टिमेट ऑफ द रिलेशन बिटवीन अ बॉन्ड प्राइज एंड वाई टी एम वेयर इज द एक्चुअल रिलेशन इज कॉन्वेक्स और नॉन लीनियर इसका मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जैसे क्वेश्चन में मोडिफाइड ड्यूरेशन आया था थ्री पॉइंट सिक्स तो हमने ये जूम किया था कि अगर इंटरेस्ट रेट वन परसेंट बढ़ेंगे तो बॉन्ड का प्राइस थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट कम होगा अगर इंटरेस्ट रेट वन परसेंट से डिक्रीज करते हैं तो बॉन्ड का प्राइस 3.6 परसेंट से इंक्रीज करेगा बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है इसमें डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती है यानी एग्जैक्टली 3.6 परसेंट का चेंज नहीं आएगा देर में रिलेशनशिप इज लिटिल कॉन्वेक्स या इसको आप कह सकते हैं नॉन लीनियर बट यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा अगर इंटरेस्ट रेट में माइनर चेंजेस आते हैं 0.2 परसेंट पॉइंट परसेंट तो हमारा जो इस्टीमेटेड आंसर है और जो एक्चुअल आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा लेकिन हाँ इंटरेस्ट में अगर ज़्यादा चेंजेज हैं टू परसेंट थ्री परसेंट या फोर परसेंट तो जो इस्टीमेटेड हमारा बॉन्ड का प्राइज़ है और जो एक्चुअल बॉन्ड का प्राइज़ है उसमें चेंजेस थोड़े से ज़्यादा होंगे बट स्टिल मोडिफाइड डोरेशन इज़ यूज टू गेट द्रोक्सीमेटेड प्राइज ऑफ द बॉन्ड तो ये कहीं ना कहीं हमें एक अप्रॉक्सीमेटली प्राइस बॉन्ड का क्या होगा ये जरूर बता देता है तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू हैव ए नाइस डे